भील शब्द की उत्पत्ति बिल से मानी जाती है, किसे मानी जाती है, बिल, ठीक है, संस्कृत साहित्य में जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला, ठीक है, या निशाना लगाने वाला। बिल शब्द का तात्पर्य क्या है, तीर चलाने वाला या निशाने लगाने वाले से, ठीक है। कर्नल जेम्स स्टोन ने बिलों क्या कहा है, वन पुत्र कहा है, क्या कहा है, वन पुत्र, ठीक है। ये मजूमदार, डॉक्टर मजूमदार, इसने बिलों की उत्पत्ति किससे मानी, निग्रेटो से मानी है, किस जनजाति से मानी है, निग्रेटो से मानी जाती है, ठीक है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, मीणा के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कहाँ सबसे ज्यादा भील का निवास करते हैं, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में निवास करते हैं, उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखो बिल्लों का एक घर क्या कहलाता है, टापरा। बिल्लों के घरों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, कू, क्या कहा जाता है, कू, कई घरों को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। मोहल्ला, मोहल्ला क्या कहलाता है, फला, मोहल्ले को क्या कहते हैं, फला, ठीक है। और बिल्लों के गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो भाई मुखिया, एक ही वंश या एक ही गांव से संबंधित मुखिया को तद्वी क्या कहा जाता है, तद्वी कहा जाता है। अनेक वंशों या अनेक गांव से संबंधित सम्मिलित रूप मुखिया बनके कह जाए, गमेती कह जाए, ठीक है, गमेती, दोनों ऑप्शन में हो तो यही करना है, गमेती इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही माना था पीछे। देखो आराध्य देवता केसरीनाथ या ऋषभदेव, ठीक है, इनका मंदिर है दुल्हेव में स्थित है, कहाँ स्थित है, दुल्हेव, ठीक है। और कुल देवता कौन है, टोटम। पत्थरचक देवी किसको मानते हैं, पथवारी देवी, ठीक है। विवाह की देवी भराड़ी, विवाह की देवी तो है भराड़ी। कुल देवता है टोटम, आराध्य देवता है केसरीनाथ जी या ऋषभदेव जी, एबी के केसरीनाथ जी या ऋषभदेव जी के ऊपर केसरी पानी चढ़ाए गए तो झूठ कौन बोला है, ठीक है। आप एक प्रकार की प्रथा बनी होगी कि जिया कंदरा मलिकुंड जी आप हमारा जो गया इसी प्रथा हो गया, ठीक है। केसरीनाथ जी या ऋषभदेव जी आराध्य देवता है। आदिवासी और प्रिय वृक्ष कौन से भैया, ठीक है, बिल्लाओं, बिल्लाओं प्रिय वृक्ष कौन सा, हम महुआ है, ए भील के है, ए महुआ फूलों एक पेय पदार्थ बना, ताड़ी नामक पेय पदार्थ, क्या बना, ताड़ी नामक पेय पदार्थ बनाते हैं, भील महुआ के फूलों से ताड़ी नामक पेय पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, शराब निकाला है, जिसे बिल्लों का सोमरस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोमरस कहा जाता है। ये अटक, अटक किसे कहा जाता है, बिल्लों के गोत्र को क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है, ठीक है। अब बिल्लों में शीरा बाउसी या शीरा चौकसी क्या है, भील जनजाति में व्यक्ति के मरने के बाद घर या खेत के बाहर उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर स्थापना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चीरा बाउसी या शीरा चौकसी कहते हैं, ठीक है। शीरा बाउसी या शीरा चौकसी की है, मरे बाद में मूर्ति लगावानी में नहीं, बाकी वह शीरा बाउसी या शीरा चौकसी, ठीक है। इसके बाद में फायरे फायरे, फायरे फायरे क्या है, बिल्लों का भरण कोष, क्या है, बिल्लों का भरण कोष, ठीक है। युद्ध के समय, युद्ध में जाते समय या कोई संकट के समय किसका उद्घोष करते हैं, फायरे, ठीक है। अब संकट के समय ढोल बजाया जाता है युक्ति के समय, उस ढोल को क्या कहते हैं, गारियो या बारी का ढोल कहा जाता है। अब गारियो या बारी का ढोल किसे कहते हैं, विपत्ति के समय जोर जोर से ढोल बजाकर सूचना देते हैं उसे क्या कहते हैं, गारियो या फिर बारी का ढोल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नाचनिया ढोल, ठीक है, विवाह या मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला ढोल क्या कहलाता है, नाचनिया ढोल कहलाता है, क्या कहलाता है, नाचनिया ढोल कहलाता है। इसके बाद है दीवान ढोल, दीवान ढोल का मतलब है किसी बीमारी या कोप की सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला ढोल क्या कहलाता है, दीवान ढोल कहलाता है, क्या कहलाता है, दीवान कहलाता है। किसी बीमारी या कोप की सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला ढोल कौन सा है, दीवान, ठीक है। इसके बाद में दामपत्ति, दाम क्या है, दाम लगाना क्या है, दामपत्ति क्या है, बिल्लों में उपचार की पत्ती है, दाम या लीड़ी लगाने का नहीं अपा, दाम ऊंट का लीड़ी कौन लगाता है, पहली, ठीक है, कौन देख, दाम हो गया कोई ठीकरी को, ठीकरी, ठीक है,
ठीक है, बैल गर्म करके, ये कहीं छाती दुख है, कहीं पेट दुख है, तब हम ऊपर रख दे गर्म करके, बैल के डाम लगा लो कहे जी, ठीक है। अब डाम के बिलों में उपचार की पद्धति को क्या कहते हैं, डाम कहते हैं। होवड़ भाई, बिलों में प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु देवी की पूजा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, ओवन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवन, ओवन कहते हैं। शेमल, विवाह के अवसर पर घर के सामने पोता लगाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शेमल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेमल कहा जाता है। बील डालिया करके जी, अभी डालिया बिलों के घरों में स्थित या बना हुआ बरामदा, ब्राउंडन के कहे जाए, डालियो कहे जाए, आपने कहा ब्राउंडो का नहीं अपा, तो ब्राउंडन के क्या, डालियो कहे, ठीक है। बिलों के घरों में बना ब्राउंडा, ठीक है, मैं ब्राउंडन के कहे जाए, डालिया कहे जाए, बिलों के घरों में बना हुआ ब्राउंडा, ठीक है। यह बात मैं काटा, मोसर को प्रकार है को नहीं हो, मोसर मृत्यु भोज हो है नहीं, ठीक है। मोसर बिलों में मृत्यु भोज की परंपरा की कहे जाए, काटा कहे जाए, बिलों में मृत्यु भोज की परंपरा काटा कहलाती है, क्या कहलाती है, काटा कहलाती है, ठीक है। बिलों में स्थानांतरित कृषि की जाती है दो प्रकार की, ठीक है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है। पहली तो है दजिया, दूसरी कौन सी है, छिमाता। दजिया किसे कहते हैं, दजिया कहा जाता है मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि, ठीक है, बिलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, बिलों द्वारा मैदानी भागों में, मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है, दजिया कहलाती है। दूसरी है चिमाता, कौन सी है, चिमाता। चिमाता है पहाड़ों के ढलानों पर कहाँ की जाती है, ठीक है, पहाड़ों के ढलानों पर या पहाड़ी के ढलानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर, ढलानों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, चिमाता कहलाती है, ठीक है। एक शब्दावली यूज होती है पखरिया बील, पखरिया बील किसे कहा जाता है, वह बील जो किसी सैनिक घोड़े को मार देता है उसे क्या कहते हैं, पखरिया बील कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पखरिया बील, यानी सैनिक घोड़े को मारने वाला बील, सैनिक घोड़े को मारने वाला बील क्या कहलाता है, बील पखरिया, मारने वाला बील, पखरिया बील कहलाता है, क्या कहलाता है, पखरिया। एक होता है बोलावा, कौन सा लावा, बोलावा, वो है गाइड, आऊ क्या है, गाइड, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी मार्गदर्शक बील, ठीक है, मार्गदर्शक बील ने क्या कहे जाए, बोलावा कहे जाए, मार्गदर्शक बील, बील को बोलावा कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है, ठीक है। धापा भाई, यह एक प्रकार का वधु मूल्य होता है, ठीक है, वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष कन्या के पिता को वधु मूल्य देता है, क्या कहलाता है, अभी धापा कहलाता है, ठीक है। नोत्रा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, नोत्रा, क्या कहलाती है, नोत्रा, ठीक है। धापा क्या है, वर पक्ष कन्या के पिता को वधु मूल्य देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उस राशि को क्या कहते हैं, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली राशि नोत्रा कहलाती है, राशि क्या कहलाती है, नोत्रा। भगत, हाँ पंडित तो है, भगत कौन है, पंडित तो है, धार्मिक संस्कार करवाने वाला, ठीक है, धार्मिक संस्कार करवाने वाला क्या कहलाता है, बिलों के धार्मिक संस्कार करवाने वाला क्या कहलाता है, भगत कहलाता है, क्या कहलाता है, भगत। इसके बाद देखो हाथीविडो विवाह, हाथीविडो विवाह क्या होता है, इसके अंदर प्राकृतिक साक्ष्य कौन, यानी प्राकृतिक साक्ष्य, जैसे पीपल, ठीक है, बांस, सांगवान,
आदि को साक्ष्य मानकर भीम युवक युवतियां शादी कर लेते हैं, उसे कौन सा विवाह कहते हैं? अति विडो विवाह कहते हैं। ठीक है, पीपल का बार बार फेरा ले लिया। ठीक है, तू मेरो मैं तेरी। ओके ओके ओके। ठीक है, ये तो टाइम लगा है बांस तोड़े घड़े खिड़ा रहे क्षेत्र में। ठीक है, अति विडो विवाह से कहा जाता है प्राकृतिक साक्ष्य, जैसे पीपल बांस सांगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? कौन सा विवाह है? हाथी विडो विवाह है। एक होता है भगोरिया, भगोरिया होली काफी प्रसिद्ध है मेवाड़ की बिल्लों की। ठीक है, ये भगोरिया होली के अवसर पर, कब है? होली के अवसर पर भील यू क्यूती डांस करते हुए, ठीक है, अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नृत्य करते हुए भगोरिया। ठीक है, होली के अवसर पर, अवसर पर भील युवक युवतियां, युवक युवतियां नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए जीवन साथी का चुनाव करते हैं, क्या कराता है अभी? भगोरिया। ठीक है, भगोरिया और हाथी बेटो। एक विवाह होता है इनमें देवरघट्टा, क्या होता है? देवरघट्टा। देवरघट्टो आप अगर चूड़ी पिराणो उम्र के बड़ो भाई मर जाए, देवर के कौन सा है? ठीक है, देवरघट्टा विवाह है। ठीक है, बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात देवर के साथ विवाह है, क्या कहलाता है? देवरघट्टा। ठीक है, देवर के साथ विवाह है, विवाह क्या कहलाता है भाई? देवरघट्टा कहलाता है। ठीक है, एक होता है इनमें हट विवाह, हट विवाह भाई, लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करना। ठीक है, बाजार के लिए जाना, वो अखबार हो जाए अगर बैला पुस्ता कर। ठीक है, बैला पुस्ता ले जाए वहां, मैं लागे पुस्ता के ले जाए। ठीक है, जबरदस्ती शादी करना, जबरदस्ती शादी करना, शादी करना जबरदस्ती शादी करना कौन सा विवाह? अभी हटे विवाह। एक इनकी प्रथा है लीला मोरिया, लीला मोरिया किससे संबंधित है? अभी विवाह से संबंधित है। कौन सी है? लीला मोरिया, लीला मोरिया किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित प्रथा है। ठीक है, अब बिल्लों के नृत्य बताओ कौन कौन से होते हैं? बिल्लों के नृत्य, नृत्य, ठीक है, बिल्लों के नृत्य बोलो, याद है क्या? बोलो, बिल्लों की गौरी गैरों के युद्ध में रम देकर दीव चक्री भूमि हाथी पे वापिस नहीं लाए। ठीक है, बोलो तो कौन कौन से है? गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, दीव चक्री नृत्य, गुमरा। ठीक है, गुमरा नृत्य, हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य। ठीक है, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, दीव चक्री, गुमरा, हाथी मना, रम पीकर, रमणी, रमणी नृत्य, रमणी नृत्य, पीकर, पिलो नोच, कौन सा नृत्य? पिलो नोच नृत्य, पिलो नोच नृत्य। नेत्र सिंदूरी, सिंदूरी, सिंदूरी कह कहते हैं नीलम, शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी क्यों है भाई? सिंदूरी हुआ। ठीक है, लाल रंग की साड़ी पहने जाए, बाकी सिंदूरी हुआ। प्रिया क्या है?
विवाह के समय पहने जाने वाला पीले रंग का घाघरा, ठीक है, विवाह के समय पहने जाने वाला पीले रंग का घाघरा, क्या है भाई? पिरिया हुआ, ठीक है। अलमा क्या है? अलमा क्या होता है? अलमा आप अगर लाश करके कोई काम करा लो एक दूसरे, ठीक है नी, शीरो बना लिया, रोट बना लिया, जो सारा फेंक है काम करवा, ऐ क्या बोले? अलमा बोले। अलमा क्या होता है? सामुदायिक यानी सामूहिक सहयोग की परंपरा की कही जाए, अलमा कही जाए सामूहिक सहयोग परंपरा। सहयोग परंपरा क्या कहलाती है? अलमा कहलाती है। पोत्या भाई, पोत्या है सफो, क्या है? सफो या पगड़ी ऊपर सिर पर, ठीक है, पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी, जाने वाली पगड़िया साफ हो, क्यों अभी पोत्या हो, ठीक है। खोए तू, घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती, खोए तू, ठीक है। ठेपड़ा, ठेपाड़ा पटाइड़ी है, तंग धोती है, आ क्यों है? धोती लंगोटी है, क्यों है? लंगोटी पुछो द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी, द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोए तू। फालू, फालू क्या होता है? कंधे पर डाले जाने वाला वस्त्र, ठीक है नी, कंधे पर डाले जाने वाला वस्त्र, सब खबर हुई है, सब कोई बात, ठीक है। फालू, कछाऊ, घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा, महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा, महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा, घाघरा क्या कहलाता है? कछाऊ कहलाता है, ठीक है। परिजनी, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, ठीक है, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, चूड़ियां, ठीक है, क्या कहलाती है? परिजनी। और मेवाड़ क्षेत्र में भीलों में एक पंथ प्रचलित है, उसे क्या कहते हैं? उंदरिया पंथ, ठीक है, भीलों का पंथ, कौन सा भी? उंदरिया पंथ प्रचलित। वस्त्रों के आधार पर भीलों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक का लंगोटिया भील, ठीक है, जो भील लंगोटी, ये तो लंगोटी इधर 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 खोए तू, कहाँ है, ठीक है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी, जो भील पुरुष लंगोटी पहनते हुए लंगोटिया भील की श्रेणी में रखा जाता है, कहा रखा जाता है? लंगोटिया भील, ठीक है, लंगोटी पहनने वाले, ठीक है। इनकी स्त्रियां क्या पहनती है भाई? लंगोटिया भील की स्त्रियां क्या पहनती है? लंगोटिया भील की स्त्रियां पहनती है घाघरा, कछाऊ, क्या पहनती है? कछाऊ पहनती है, स्त्रियां पहनती है कछाऊ, ठीक है। और पोती दा भील,
इनका पूरा शरीर ही ढका रहता है, नीचे तक धोती बांधते हैं पूरी, ठीक है, धोती था। अब देखो भाई, एक है मणिक्य, देखो भाई